हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। दोस्तों, ये कठिन क्वेश्चन होंगे आज के सीरीज में, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए थ्योरी वीडियोज, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एंड ऑनलाइन क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए हम चलते हैं अपने सेट बी अभ्यास 8 की तरफ। तो इस प्रकार के हमने कम से कम 16-17 सेट हैं, प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है, 6,000 से 7,000 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और जो मैंने थ्योरी सेशन और चीज़ें बनाया हुआ है उसको भी देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, बिशप शब्द जो है वह शतरंज से यानी चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन संघ WBF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सुपर हैवी वेट वर्ग में कितने किलोग्राम के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? इसका सही जवाब है 91 किलोग्राम से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, विल्स ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, एंटी और रेडर शब्द यह है कबड्डी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अग्रवाल कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ये है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड। बैडमिंटन से रिलेटेड आपको उबेर कप और थॉमस कप विशेष रूप से याद रखना है। उबेर कप आपका महिला के लिए, थॉमस कप पुरुष के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कि बारामती क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बारामती क्रिकेट स्टेडियम कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला के मोतीबाग पैलेस में स्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना 7 मई 1961 में किया गया। नेक्स्ट है, हॉकी के लिए मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह है आपका चेन्नई में। नेक्स्ट है, भारत में बॉय स्काउट यानी बालचर और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे बेडेन पावेल। नेक्स्ट है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों, रूस का राष्ट्रीय खेल जो है वह है फुटबॉल। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1991-92 में दोस्तों किया गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भारत का माना जाता है। और इसकी शुरुआत 1991-92 से हुआ। इसको 25 लाख धनराशि इसमें दिया जाता है। 2022 में दिया गया अचंत शरत कमल को, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अचंत शरत कमल ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम में मेंस सिंगल्स एंड मेंस डबल्स मेंस टीम में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं एंड मेंस डबल्स में सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 25 जनवरी 1984 में किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, कि आपको सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, तो यहाँ भी आपको देखना है कि ग्रैंड स्लैम
किससे रिलेटेड हो दोस्तों? जैसा कि आप सबको पता है, ग्रैंड स्लैम जो है वह टेनिस से रिलेटेड है। किससे है? टेनिस से रिलेटेड है ग्रैंड स्लैम। एंड जो ग्रैंड, यहाँ पे आपको वो चीज मिलाना है जो आपको आता है, ठीक है, उसके बाद आपका सही आंसर आ जाएगा। ग्रैंड स्लैम आप सबको पता है टेनिस में दिया जाता है, और ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज में दिया जाता है, ये भी आपको पता है। सबसे पहले भारत में दिया गया किसको? विश्वनाथन आनंद को। एंड आपका बचा ग्रैंड प्रिक्स, यह आपका अंतरराष्ट्रीय कार दौड़ में दौड़ से रिलेटेड है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल का उदय भारत के किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो यह भारत के महाराष्ट्र में इस उदय माना जाता है। नेक्स्ट है, जून जुलाई 2010 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? तो यह जीता था स्पेन ने। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कौन जीता था? स्पेन ने। लेकिन आपको अब एग्जाम में कौन पूछेगा जो करेंट में हुआ है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है, 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर में हुआ है, जिसका विजेता है अर्जेंटीना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, तीन देशों में। और 21वां जो है फीफा वर्ल्ड कप 2018 रसिया में हुआ था, जिसका विजेता फ्रांस था। और 2022 में आपका हुआ है दोहा कतर में, जिसका विजेता अर्जेंटीना है, उपविजेता फ्रांस है। और आपको ध्यान में रखना है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जब हुआ तो गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट पुरस्कार बार बार पूछा जाता है। तो गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को, गोल्डन बॉल पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के हैं। एंड गोल्डन बूट दिया गया है किलियन एम्बाम्बे को, जो 8 गोल किए हैं, यानी सबसे ज्यादा गोल करने वाले को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से आपको कोड के आधार पर सही सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ देश का नाम दिया हुआ है, एक तरफ उसके राष्ट्रीय खेल का। तो दोस्तों आपको देखना है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, ये सही है। जापान का राष्ट्रीय खेल है जुजित्सु। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। एंड कनाडा का आइस हॉकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह है सचिन तेंदुलकर के नाम। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाइल्ड बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो वह है मुक्केबाजी। नेक्स्ट है आपको सुमेलित करना है, एक तरफ खिलाड़ी का नाम, एक तरफ खेल का नाम दिया हुआ है। तो कौन खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें से आपका हो जाएगा बेसलिन टोपालीव, शतरंज से रिलेटेड है। एंड उल्गा गोर सुआ भी आपका टेनिस रिलेटेड है। तेजस्वी सावंत निशानेबाजी से रिलेटेड है। रंजीत महेश्वरी एथलेटिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विश्व सोटो कप किस खेल से संबंधित है? तो विश्व सोटो कप जो है वो कराटे से संबंधित है। किससे संबंधित है? कराटे से। नेक्स्ट है, 2010 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2010 में साइना नेहवाल को प्रदान किया गया है। एंड इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जो 2022 में आपका अचंत शरत कमल को प्रदान किया गया है, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं।
नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2010 का आयोजन 11 जून से 11 जुलाई 2010 तक दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ये बात राइट है। एंड यह 19वां फीफा वर्ल्ड कप था, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में फीफा विश्व कप आयोजित करने वाला यह पहला देश था, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 1, 2, 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के स्पिनर मुरलीधरन ने 22/7/2010 को भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट में 800वां विकेट लेकर इतिहास रच दिया, यह रिकॉर्ड उन्होंने किस भारतीय खिलाड़ी को आउट करके बनाया है? तो प्रज्ञान ओझा को आउट करके बनाया है। नेक्स्ट है, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ख जो है पामेल जेलिमो भारोत्तोलन, यह सही सुमेलित नहीं है। उसके अलावा सभी आपके सुमेलित है, यानी कि आपका बारबोटा स्पाटा कोवा, ये जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। सानिया रिचर्ड्स, ये स्प्रिंट दौड़ से रिलेटेड है। एलेना इसिनवा एवा पोलवार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों, सी के नायडू नामक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम से सी और व के से क्या तात्पर्य है? सी के नायडू में से सी और के से क्या तात्पर्य है? भारतीय क्रिकेटर हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नाम से सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है, तो सी और के से क्या तात्पर्य है? तो सी और के से तात्पर्य है कोटेरी कानाकाया। नेक्स्ट है, नेशनल फिटनेस स्कोर के अंतर्गत कितने प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन होता है? तो इसमें 6 प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन होता है। नेशनल फिटनेस स्कोर की स्थापना 1965 में हुआ। नेक्स्ट है, शिविर के लिए भारत में सबसे अच्छा समय कौन सा होता है दोस्तों? तो यह होता है बसंत ऋतु का समय, न ज्यादा गर्मी होता है न ज्यादा ठंडी, इसलिए। नेक्स्ट है, मनोरंजन एक भावना है, यह कोई शब्द या वस्तु नहीं है, यह व्यक्तिगत आधार पर मन से की जाने वाली एक ऐसी क्रिया है जो वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर प्रतिक्रिया के रूप में मन को आनंद प्रदान करती है, यह कथन किसका है? यह कथन है जेवी नैश का। नेक्स्ट है, के बिरला खेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो दोस्तों 1991 से यह पुरस्कार के बिरला खेल पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, पूरी तरह से शारीरिक मानसिक और सामाजिक कुशल क्षेम की स्थिति ही स्वास्थ्य है, न कि केवल रोग या असक्तता की अनुपस्थिति, यह विचार किसका है दोस्तों? जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि केवल बीमारियों से ठीक रहना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक सभी रूप से आपको स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है, ये बात कहे हैं। ये बात है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएला वायरस से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों वेरिएला वायरस से होता है आपका चेचक। कौन सा रोग होता है? चेचक रोग होता है, स्मॉल पॉक्स। एंड वेरिसेला वायरस से होता है चिकन पॉक्स, छोटी माता, दोनों में आप प्रेफरेंस समझिएगा। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जो है वेरिसेला वायरस से होता है, एंड चिकन पॉक्स जो है वह छोटी माता जो है वह वेरिसेला वायरस से होता है। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन कब किया गया? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन जो है वह 1970 में किया गया। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ज्वर किन कीड़ों के द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों लाल ज्वर जो है वह स्ट्रेप्टोकोकल हीमोलिरिकस से कीड़े से काटने से होता है। मच्छर यानी एनाफिलीज मच्छर से आपका होता है मलेरिया, एडीज एजिप्टाई मच्छर से डेंगू, चूहों से आपका हो जाता है प्लेग।
नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें एथलीट एक ही बिंब लगाता है? तो वो है आपका ऊंची कूद व बास कूद, यानी हाई जंप एंड पोल वॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फ्लाइट शब्द जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में ड्रॉप शॉट का क्या अर्थ है? तो बैडमिंटन में ड्रॉप शॉट का अर्थ है जाल के निकट शटल डालना। नेक्स्ट है, प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर टीचर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है एडॉल स्पॉइस ने। नेक्स्ट है, भारत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1954 में हुआ। एंड स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना 1954 में हुआ। एंड नेशन डिसिप्लिन स्कीम का भी स्थापना 1954 में हुआ। नेक्स्ट है, किसने कहा सारी शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिक को शारीरिक मानसिक सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां और उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों सक्षम बनाना है। तो दोस्तों ये परिभाषा है चार्ल्स बूचर का, ये परिभाषा है चार्ल्स बूचर का, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा में व्यवहारिकता दक्षता तथा अनुभव किस सिद्धांत का मूल मंत्र है? दोस्तों प्रैक्टिस को ही अनुभव को ही मेन मानता है आपका व्यवहारिकता दक्षता अनुभव को, तो वह है प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? दोस्तों शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? तो रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन को। रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है एंड इसका जो पतन होता है वो जाके मरता है आपका स्प्लीन में, इसलिए इसको रक्त बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट है, थायराइड हार्मोन की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसके में बौनापन हो जाता है, यानी कि वृद्धि रुक जाती है और लंबाई नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है, इनवर्सन किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है? तो यह है टखने से रिलेटेड जोड़ की क्रिया। नेक्स्ट है, इनवर्सन मतलब हम पैर के उंगलियों को नीचे की तरफ मुड़ना, इवर्सन मतलब बाहर की तरफ मुड़ना, तो ये टखने से रिलेटेड आपका क्रिया है। नेक्स्ट है, उस चिकित्सा विधि का नाम बताइए जिसमें जल में विद्युतीय करंट प्रवाहित कर चिकित्सा प्रदान की जाती है? तो वह है आपका गैल्वनिक बॉथ। नेक्स्ट है, उस विधि का नाम बताइए जिसमें कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में एक अच्छा खिलाड़ी होता है? तो दोस्तों वह होता है स्पाइडर वेव विधि, स्पाइडर वेव विधि, स्पाइडर वेव विधि। जो हमारा चैलेंज टूर्नामेंट होता है, चैलेंज टूर्नामेंट दो प्रकार का होता है, लैडर प्रकार का और पिरामिड प्रकार का। पिरामिड जो है टाइप भी दो प्रकार का होता है, किंग्स टूर्नामेंट, जो हर एक किंग्स टूर्नामेंट में क्या होता है कि आपने स्लैब के सभी खिलाड़ियों को हराना होता है, फिर ऊपर के स्लैब में स्थित खिलाड़ी में से पहले किसी एक को चैलेंज करना होता है, फिर ऊपर वाले स्लैब में यह क्रिया सबसे ऊपरी स्लैब पहुंचने तक चलती रहेगी। लेकिन कॉब वेव टूर्नामेंट जो स्पाइडर वेव विधि होता है, एक खिलाड़ी को मकड़ी के जाले के समान चक्र के धागों पर स्थान दिया जाता है, यानी अंदर चक्र में जाने के लिए अपने चक्र के अन्य खिलाड़ियों को हराना पड़ता है, फिर अंदर प्रवेश करना पड़ता है। जो सबसे अंदर चक्र में पहुंच जाता है वही यहाँ पे शीर्ष वरीयता प्राप्त यानी विजेता होता है। यहाँ पे साइकिल टेबुलर स्टेयर केस मेथड आपका लीग टूर्नामेंट में फिक्सर डालने की विधियां हैं। नेक्स्ट, बास्केटबॉल से संबंधित इनमें से कौन सा खिलाड़ी है? तो दोस्तों सरबजीत सिंह जो है आपका बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, जिनको बास्केटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट है, हुक पास निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हुक पास जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है शतरंज खेल में फीला किस मोहरे को कहते हैं। तो दोस्तों फीला यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है ऊंट, लेकिन ऊंट को तो बिशप कहा जाता है। फीला तो आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शतरंज खेल को नियंत्रित करती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गुडरिक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। तो यह है पोलो से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडबॉल खेल के दौरान किसी टीम द्वारा खेल की रणनीति बदलने को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है टीम टैक्सिस प्लेइंग। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो एच के गोड बोले थे। नेक्स्ट दोस्तों ग्वांगझो चीन में संपन्न एशियाड 2010 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो इसमें जीते थे 14 गोल्ड मेडल। जैसे कि दोस्तों 2018 आपका एशियन गेम जो है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें जो है भारत ने 26 गोल्ड 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है एशियाड 2010 में भारत किस स्थान पर रहा। दोस्तों एशियाड 2010 में भारत जो है वह चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है खो खो खेल में खो शब्द का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है उठो और भागो। नेक्स्ट है क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एनडीटीएल का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों एनडीटीएल का पूरा नाम है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। नेक्स्ट है वाडा का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों वाडा का पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या नाम है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में हुआ था। मुख्यालय हेडक्वार्टर है आपका कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में। वर्तमान अध्यक्ष है बिटोल्ड बांका। एंड भारत में इसकी एजेंसी है वाडा नाडा, ठीक है, विश्व में वाडा और भारत में इसकी है नाडा, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में बनाया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट दोस्तों डकवर्थ लुईस नियम किस खेल से संबंधित है। तो डकवर्थ लुईस नियम जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है आपको सुमेलित करना है, एक तरफ खिलाड़ी है एक तरफ खेल है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आ रहा है पहले उसको मिलाइए, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे अपर्णा पोपट। अपर्णा पोपट जो है वह बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए का टू कहाँ पे दिया है, तो क में भी दिया है और घ में भी दिया है। अब आपको छांटना है, अब आपको दूसरा कोई आ रहा है तो उसमें से आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो आपका देखना है अंजू जैन जो है वह क्रिकेट से रिलेटेड है। अंजू जैन जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। और सूर्य शेखर गांगुली जो है वो शतरंज से रिलेटेड हैं। एंड सौम्यदीप राव जो है आपके टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे याद कर लीजिए आप अपर्णा पोपट बैडमिंटन से, सूर्य शेखर गांगुली शतरंज से, अंजू जैन क्रिकेट से, सौम्यदीप राव टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको सुमेलित करना है, एक तरफ खिलाड़ी या प्रशिक्षक दिया हुआ है एक तरफ पुरस्कार। तो दोस्तों सुशील कुमार को किससे रिलेटेड है। तो सुशील कुमार को आपको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार।
बलवान सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक प्रशिक्षक है कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। एंड आपका पंकज अडवाणी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। एंड आरडी सिंह को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, फिर से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ खेल है, एक तरफ आयोजन स्थल है। यहाँ भी सबसे पहले जो आपको आता है उसको मिलाएंगे, ठीक है? जैसे 2004 ओलंपिक खेल दिया हुआ है आपका, तो 2004 ओलंपिक खेल किसे है? एथेंस में हुआ था। और 2014 आपका एशियाड खेल कहाँ पे संपन्न हुआ था? दक्षिण कोरिया में। और 2010 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ था दोस्तों? भारत में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हेमंडल कनाडा में शुरू हुआ था, और दोबारा आपका अब भारत में संपन्न हुआ था आपका 2010 में। एक वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड 2010 का एशियाड खेल जो है वो आपका चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मिलाना है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ खिलाड़ी है, एक तरफ खेल है। यहाँ पे आपको मिलाना है कि कौन किससे रिलेटेड है। सबसे पहले आपको जो आ रहा है उसको मिलाइए। जैसे कि गीता सेठी है जो आपके बिलियर्ड्स रिलेटेड है, तो डी का वन कहाँ पे दिया हुआ है? क ख ग तीनों में दिया हुआ है। और आपको देखना है कि आपको क ख ग तीनों में एक डी का वन ही है, तो सी का टू टू दिया हुआ है, तो यानी कि सी का तो टू हो जाएगा। केतन शर्मा जो है आपके क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब आपको दो देखना है, जिम कुरियर और मोनिका सेलेस। तो मोनिका एक महिला नाम से प्रतीत हो रहा है, तो आपका हो जाएगा टेनिस में, टेनिस महिला खिलाड़ी हैं। अब बची कौन? जिम कुरियर, टेनिस पुरुष से। जिम कुरियर किससे हैं? टेनिस पुरुष से, ठीक है। जिम कुरियर हैं आपके टेनिस पुरुष से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग आपके करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है फिर से आपको। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि रंगा स्वामी कप किससे रिलेटेड है दोस्तों? हॉकी से। रोवर्स कप है आपका फुटबॉल से। बेलिंगटन कप है आपका गोल्फ से। रिलायंस कप है आपका, रंगास्वामी कप हॉकी से हो गया, रोवर्स कप फुटबॉल से, बेलिंगटन कप आपका गोल्फ से। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है कि रंगास्वामी कप फोर, कहाँ पे फोर दिख रहा है? ए का क में आपका दिख रहा है। फिर रोवर्स कप फुटबॉल, सी का थ्री आप कहाँ दिख रहा है? क में दिख रहा है। फिर वेलिंगटन कप गोल्फ, डी का फाइव कहाँ पे दिख रहा है? तो आपका क में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा बी का वन, रिलायंस कप जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने पांचवा दोहरा शतक किस देश के विरुद्ध लगाया था? लगाए थे पांचवा दोहरा शतक श्रीलंका के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो यह फुटबॉल में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? गोल्डन बॉल पुरस्कार, गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल में दिया जाता है। जो पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बॉल दिया जाता है, जिसको 2022 में लियोनेल मेसी को दिया गया, जो अर्जेंटीना को है के हैं, ठीक है। एंड गोल्डन बूट पुरस्कार जो है वह सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, जो 2022 में किलियन एम्बाबे को दिया गया है, जिन्होंने 8 गोल किया है, और लियोनेल मेसी ने 7 गोल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में शटल कॉक का व्यास कितना होता है? तो 2.5 से 2.8 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल में बॉल का वजन कितना होता है?
तो यह 567 से 650 ग्राम होता है। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स में टेबल का आकार कितना होता है। दोस्तों बिलियर्ड्स में टेबल का आकार जो है आपका ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे करेक्ट है, 3.7 मीटर लंबा एंड 1.85 मीटर चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्केबाजी खेल में 67 किलोग्राम वर्ग के लिए ग्लव्स का वजन होता है। तो दोस्तों उसमें जो ग्लव्स होता है मुक्केबाजी में 8 औंस यानी 227 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है पोलो में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों तो पोलो में जो गोल पोस्ट होता है 10 फीट ऊंचा होता है। नेक्स्ट है स्क्वैश खेल में कोर्ट की माप क्या होती है। तो स्क्वैश खेल में कोर्ट की माप जो होती है वह 21x32 यानी कि 32 फुट आपका लंबा होता है, 21 फुट चौड़ा होता है। नेक्स्ट दोस्तों स्नूकर खेल में कुल कितनी गेंद होती है। तो स्नूकर में कुल 22 गेंद होता है। नेक्स्ट है टेनिस में नेट की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों तो केंद्र में 3 फुट होता है और पोस्ट पर किनारे पर 3 फुट 6 इंच होता है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा होता है, यानी कि 9 फुट चौड़ा, फुट मैंने 30 सेंटीमीटर में आपका 1 फुट होता है, तो 9×3 27 ठीक है, यानी 2.75 मीटर आपका हो जाएगा लंबा और 5 फुट 5×3 15 यानी 1.525 आपका हो जाएगा चौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है कबड्डी पुरुष के मैदान की माप कितनी होती है। दोस्तों तो 13×10 होता है यानी 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवारबाजी में तलवार की लंबाई कितनी होती है। तो तलवारबाजी यानी फेंसिंग में तलवार की जो लंबाई होती है वह होता है 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाने वाली ट्रॉफी का क्या नाम है। तो वह है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है, जो 1956-57 में स्थापित किया गया भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। यह पिछले 1 साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जिसमें 15 लाख रुपए धनराशि दिया जाता है। प्रथम विजेता बॉम्बे यूनिवर्सिटी है एंड 2022 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब विजेता है, जो सबसे ज़्यादा अधिक बार भी माका ट्रॉफी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीता है, कुल 23 बार। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है बैक स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है। यह तैराकी से रिलेटेड है, तैराकी की शैलियाँ हैं बैक स्ट्रोक, ठीक है, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ये सब तैराकी की क्या है शैलियाँ हैं, टेक्निक हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ महिला खिलाड़ी दिया गया है, एक तरफ खेलकूद दिया गया है, कौन किससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का 3 होगा। अंजलि देव पाठक जो है राइफल शूटिंग से रिलेटेड है। अंजलि देव पाठक किससे रिलेटेड है, राइफल शूटिंग से। एंड बी का 4 होगा, यानी कि मीमा दास जो हैं वह टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। एंड सी का 1 होगा, नीलम सिंह जो हैं एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। एंड डी का 2 होगा, तुपा देवनाथ आपका जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों स्मैश शब्द आपका किससे रिलेटेड है, वॉलीबॉल से, किससे है, वॉलीबॉल से। नेक्स्ट है आपको सही सम्मिलित करना है, एक तरफ खेल है एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या है। तो दोस्तों हॉकी में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं, तीनों राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा,
1, 2, 3 तीनों, ठीक है। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007-08 में इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, एशियाड खेल 2010 में भारत के लिए महिलाओं ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं एशियाड खेल 2010 में? 14 स्वर्ण पदक। 2018 का पूछेगा दोस्तों तो 26 स्वर्ण पदक और 20 आपके सिल्वर एंड ब्रांज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, एशियाड खेल 2010 में उस खेल का नाम क्या है जिसमें भारत के दोनों महिला और पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वह कबड्डी में 2010 में महिला पुरुष दोनों वर्ग के लोग स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है, निम्न सूची एक को सूची टू से आपको मिले सुमेलित करना है। तो यहां पे आपको देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर को आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक और टू हो जाएगा। वेलोड्रम जो है आपका हो जाएगा वेलोड्रम साइकिलिंग से रिलेटेड। बी का फोर हो जाएगा यानी कि मैट आपका कराटे से रिलेटेड है। सी का थ्री हो जाएगा यानी कि रिंक जो है आपका स्केटिंग से रिलेटेड है। डी का वन हो जाएगा पिच यानी रग्बी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, शारीरिक सहनशीलता किससे विकसित होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे ज्यादा भारी कौन है। जैसे कि आपको सर की ट्रेन जो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है एंड ड्यूरेशन लोड पद्धति। तो लोड शब्द ज्यादा आपको भारी पड़ जा रहा है तो यहाँ पे शारीरिक सहनशीलता आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ड्यूरेशन लोड पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट है, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी किसने कहा था? यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इसको कहा था अरस्तु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करना है, स्टेडियम खेल स्टेडियम के नाम दिया हुआ है और उनके शहर के नाम। तो दोस्तों आपको ये देखना है जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसको मिलाइए। आपको आ रहा है जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है नई दिल्ली, तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल, ठीक है, पीसीए स्टेडियम आपका हो जाएगा मोहाली और सेक्टर 76 स्टेडियम आपका हो जाएगा चंडीगढ़। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्काउट के 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे को कहते हैं? स्काउट के 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे को क्या कहते हैं? स्काउट के 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे को कहते हैं सावक यानी कि कब, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? तो नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? दोस्तों 1961 में किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस का शुभारंभ कब किया गया? तो 1969 में किया गया। नेक्स्ट है, पुरुष एनसीसी के 3 स्कंधों में से निम्न में से कौन एक स्कंध नहीं है? तो दोस्तों पुरुष एनसीसी के 3 स्कंध हैं, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना स्कंध, जल सेना आपका नहीं है। नेक्स्ट है, चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, सारी शिक्षा को सारी संस्कृति फिजिकल कल्चर किस देश में कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रूस में।
नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित करना है, एक तरफ खेल है एक तरफ उसका उद्देश्य है। तो जूडो जो है आपका, जूडो जो है आत्मरक्षा खेल है। सुमो जो है वो कुश्ती से रिलेटेड है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा, यानी कि जूडो आत्मरक्षा से रिलेटेड है। एंड बी का थ्री हो जाएगा आपका, जो कैंडो जो है पट्टेबाजी से रिलेटेड है। सी का टू हो जाएगा, क्यूडो धनुर्विद्या से रिलेटेड है और सुमो कुश्ती से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए हैंड बुक ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए हैंड बुक जिम्नास्टिक नामक पुस्तक हेनरी लिंग ने लिखा है। तो दोस्तों आज के लिए ये 100 क्वेश्चन था, आज के क्वेश्चन कुछ हार्ड था दोस्तों, एंड आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी गलतियाँ हुई हों उसको भी कमेंट में बताइए, मैं सब आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए।